आ गया नोबेलियम। नींबू निचोड़म तो बाद मिलेंगे, मैं बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ई का हो रहा है भला जय। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू आर सेफ। तो यार आज का चैलेंज जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिसको साइंस पसंद है उसके लिए भी, जिसको साइंस नहीं पसंद उसके लिए भी, क्योंकि आज जो हम खाने वाले हैं वो हम पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करके खाने वाले हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम देन लिथियम। और पीरियोडिक टेबल की खोज करी थी डिमिट्री मेंडलीव ने, जैसा आपको पता है कि नहीं पता है आई डोंट केयर। तो यार अब आप सोच रहे होगे वो कैसे, तो मैंने एक रैंडम पिकर पीरियोडिक टेबल ढूंढा है, मैं दिखा देती हूँ। यार ऑनलाइन में हर चीज का जुगाड़ मिल जाता है, मैंने बहुत चीजें ढूंढी बट मुझे ये भी मिल गया। वेल डन। तो जैसे मान लो मैंने रैंडम लेटर इसमें चूज किया, ये कौन सा एलिमेंट है कभी सुना भी नहीं मैंने, डर्मा स्टूडोडो, मान लो आ गया नोबेलियम। तो इसका जो एलिमेंट की जो नेमिंग होती है वो एनओ होती है, तो नो जो वर्ड है तो जो हमारा खाने की चीज होनी चाहिए वो एनओ से चालू होनी चाहिए। अब एनओ से क्या चीज हो सकती है, नूडल्स है ना, एनओ से हो गया नूडल्स। तो मुझे जैसे नूडल्स खानी होगी, ऐसे मुझे कोई चीज सोचनी होगी, मुझे वही चीज खानी होगी। तो ऐसे ही एलिमेंट्स हमें बताने वाले हैं कि आज हम क्या क्या चीज खाएंगे, तो है ना इंटरेस्टिंग। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो भाई अब पहला एलिमेंट देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया था नोबेलियम, जो मैंने कभी सुना भी नहीं है। नेक्स्ट सल्फर, एस आया। तो सबसे पहले मुझे एस से खाना है, फिर हम आगे देखेंगे कि हम आगे क्या खाएंगे। एस से सल्फर, एस से समोसा चाट। तो मैंने ले लिया है समोसा मटर चाट, और ये देखो भाई साहब कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। नींबू निचोड़म तो बाद मिलेंगे, जब नींबू निचोड़ जाएगा तो तद मिलेंगे। तो भाई नींबू निचोड़ लेते हैं इसमें, मज़ेदार एकदम चटपटी हो जाएगी मेरी चाट। तो भाई इन्होंने समोसे के ऊपर ना वो मटर वाले छोले डाले हैं। तो भाई अभी हम बैठे हैं चायोज में, और मैंने ये ली है बहुत ही बढ़िया चाट, मैंने ये खाई है और मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली, तो मैंने सोचा कि यार यही खाते हैं। ओके तो भाई समोसा और ऊपर मटर और उसमें प्याज और उसमें छोटे छोटे टमाटर और ऊपर नींबू निचोड़ा हुआ, वाह क्या सीन है। क्या खूब लगती हो, बड़ी टेस्टी लगती हो। खूब बालो मत जाने लाइफ, इसको ख़त्म नहीं करते, नेक्स्ट एलिमेंट देख ही लेते हैं, क्योंकि ना सोचने में ना बड़ा टाइम लगता है, मेरा साबुन स्लो है। सो हमारा सल्फर आया था लास्ट, तो सल्फर में सुल्फर होते। नेक्स्ट रैंडम लेटर देखते हैं, नेक्स्ट रैंडम एलम बोरियम, बोरियम बोर मत करो यार। बी एच से भेलपूरी, तो बी एच से हम भेलपूरी खा सकते हैं। और कुछ सोचूं और क्या खा सकते हैं, भंडारा। 2000 years later. अरे मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो फिर से थक गई भाई, बहुत ढूंढा बी एच इतना मुश्किल आया, भेलपूरी तो मैंने सोचा कि और भी चीज़ें, भाजी आया दिमाग में, भटूरा आया दिमाग में, भाकरवाड़ी आया दिमाग में, बट एंड सुई मेरी अब अटकी है भाकरवाड़ी में। और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा जहाँ से मैं भाकरवाड़ी लेने वाली हूँ, वो है कराची बेकरी। तो फटाफट लेके आते हैं अपनी भाकरवाड़ी। तो गाइस द फेमस कराची बेकरी से मैंने ले ली अपनी भाकरवाड़ी का डब्बा। बी एच से मेरे दिमाग में और भी चीज़ें आई थी, बट सोचा मैंने कि कुछ अनयूजुअल लिया जाए, बाकी डब्बा घर ले जाऊंगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। ई का हो रहा है भला जय, भारत माता की जय। ओ बी एच से भारत, बी एच से भाकरवाड़ी, हाय रब्बा मैनू चक ले यार, मेरे से कुछ खुलता क्यों नहीं है। तो भाई बी एच से अपनी भाग, अरे तो बड़ी छुटकू पुटकू की है, ओ माय गॉड इट्स सो क्यूट, मिनी, हम इसे मिनी फूड चैलेंज में खा सकते थे।
बोरियम पे खत्म हुआ था, अब नेक्स्ट रैंडम एलिमेंट देखते हैं कि क्या आता है। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द टेबल, तो एच से हमें खाना है और एच से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट अभी दिमाग में नहीं आ रही। एच से होनोलुलु है। चलो यार थोड़ा सोचती हूँ, फिर डायरेक्टली लोकेशन पे मिलूँगी। तो भाई लास्ट आया था हमारा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन होता है उसका एलिमेंट नेमिंग एच होती है, तो एच से मैंने ले लिया है हेजलनट फ्रैपे। दिमाग की बत्ती यहीं जली तो मैं फटाफट आ गई हेजलनट फ्रैपे लेने। गर्मी में कुछ भी ठंडा मिल जाए ना, वो मेरे शरीर में चला जाएगा आराम से। अच्छा नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है। प्रसी ओडमियम, ये तो किसी जानवर का नाम लग रहा है मुझे एलिमेंट से ज़्यादा। जो आप उसमें नहीं पढ़ते थे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, वही वैसा कुछ लग रहा है। तो पी आर राठा प्रोटीन 2000 ईयर्स लेटर। प्रोसेस चीज, प्रॉन्स में नहीं खाती हट यार, बड़ा सोचने में टाइम लग रहा है मुझे। चलो ढूंढते ढुमाते घूमते घुमाते ढूंढ ही लेंगे कुछ ना कुछ। भाई इतनी गर्मी हो रही है और पीआर से ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गई, एक घंटे से ज़्यादा हो गया ढूंढते ढूंढते। फाइनली मेरा दिमाग चला और मैंने ले लिया है थियोब्रोमा से प्रालीन मूस पेस्ट्री। प्रालीन पेस्ट्री हेजलनट है ये, और ये मैंने खाई भी हुई है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी। तो भाई पीआर से प्रोफिटरोल्स, प्रोटीन बार, प्रोबायोटिक ड्रिंक, बट मुझे मिला नहीं इतना ढूंढने के बाद भी। तो फाइनली अब हम ये खाने वाले हैं बहुत मशक्कतों के बाद, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी होती है, आप डेफिनेटली ट्राई करना। मैंने पेस्ट्री वाली वीडियो में खाई थी वाली पेस्ट्री, नहीं देखी तो वो भी देख लेना। और आपको कुछ पता है पीआर से कोई फूड आइटम तो नीचे कमेंट करके बताना। सो लेट्स टेक अ फर्स्ट बाइट। सिंफुल इंडलजेंस लिटरली। चॉकलेट जो बहुत ज़्यादा ओवर पावर ना करे ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो भाई थियोब्रोमा की पेस्ट्री इज फैब। तो अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं, नेक्स्ट क्या एलिमेंट आता है। तो भाई हमारे चार एलिमेंट हो चुके हैं, अब हमारी है लास्ट एलिमेंट की बारी। तो देखते हैं यार कुछ अब ईजी आ जाए यार, बहुत घूमना पड़ता है। प्रासी ओ डी एम पे हमारा रुका था, अब लास्ट रैंडम लेटर इज था। लगता है ये हमारा अटक गया है भाई साहब, आगे हो ही नहीं रहा है। नाइट्रोजन, तो भाई फाइनली कोई चीज़ ही आया, एन से आया नाइट्रोजन, और अब देखेंगे कि एन से क्या खाएंगे। तो गाइस एन से मैंने लिए हैं नाचोस, तो नाचोस ही आया यार दिमाग में और बहुत घूमना पड़ा। नूडल्स भी था, बट सुबह मैंने बताया था ना एन ओ से नूडल्स ज़्यादा सही बैठे, तो मैंने एन से नाचोज ही लिया, नाचोज विद सालसा ब्राउन शुगर से। चलो ट्राई करते हैं। इससे पहले हमने प्रालीन पेस्ट्री खाई थी, वैसे एन से निटेला था मेरे दिमाग में, बट मेरा खाने का मन नहीं था उसके बाद डायरेक्ट मीठा, तो मैंने सोचा कुछ सेवरी आइटम खाते हैं। सालसा बढ़िया है, स्पाइसी है भाई। चैलेंज तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बट बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हुई, मुझे बड़ा मज़ा आया पर करने में। और अगर आप इसका 24 चैलेंज के रूप में भी देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना और वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने साइंस वाले दोस्तों के साथ भी शेयर करना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फूडी एंड बाय।